दोस्तों चलिए आते हैं इंडोनेशिया चाइना के क्राइसिस के बारे में। दोस्तों क्या हुआ है, चलिए आते हैं आज के वीडियो में। तो हुआ यह है कि चाइना जो है अपने जो आइलैंड्स है, बाकी सब जो आइलैंड्स है जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान, इन सब पे जो है अपना हक जमाता है। इनके आइलैंड्स पे 370 आइलैंड्स हैं इनके, जिन पर वो हक जमाता है दोस्तों, जिस वजह से जो है बहुत सारे देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, चाइना से बचने के लिए जो है पावर्स भी ला रहे हैं, बहुत सारे जो है मल्टी एक्यूपेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों उसमें नाम आया है इंडिया का, जो कि तेजस दे रहा है, तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। और दोस्तों अच्छा जानते हैं चाइना और फिलीपींस और ऐसे देशों को क्या हुआ है। तो दोस्तों इस वजह से जो है क्या हुआ है कि फिलीपींस और वियतनाम को जो सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन और जो है अमेरिकन वेस्ट साइड कंट्रीज, जिस वजह से जो है चाइना बिल्कुल भड़क गया कि इधर हमारे जगह पे जो कि हमारी जगह है उसको, मतलब है नहीं उनकी जगह पर, वो मानता है वो उनकी जगह, पुराने साइंस से वो मानता है कि हमारी जगह है, तो उस वजह से जो अमेरिका उसको नहीं मानता। और अमेरिका चाहता है कि जो है ताइवान जैसी कंट्रीज, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में जो बिजनेसेस हैवी है, जैसे कि एप्पल कंपनी के भी जो है लॉसेस हो सकते हैं उधर अगर युद्ध हुआ, तो इस वजह से यूएसए का भी फ़ायदा होगा अगर उधर जो है चाइना को काउंटर करे, और चाइना एक सुपर पावर और बन जाएगा कि देखो उभरती हुई सुपर पावर को भी हरा दिया यूएस में। इस वजह से जो है यूएस आ रहा है फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान को हेल्प कर रहा है दोस्तों। तो इस वजह से जो है चाइना भी सोच रहा है किसी बड़ी कंट्री पर सुपर पावर बनने के लिए अटैक करता, तो दोस्तों वो है इंडिया। दोस्तों इंडिया पर अभी अटैक नहीं कर पाएगा, और दोस्तों फिलीपींस में भी वो पूरी जगह से घिर गया है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया और चाइना की, तो दोस्तों इंडोनेशिया और चाइना जो बहुत ही खिलाफ है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो चाइना अपने आइलैंड जो उनके आइलैंड्स हैं उन पर हक जमाता है, जिस वजह से बहुत गुस्सा होता है। और दोस्तों उनके फ्रेंडली रिलेशन है यूरोप और वेस्टर्न कंट्री के साथ। और दोस्तों अगर क्वाड की माने तो जो है ये फिलीपींस मतलब अगर हम लोग ले ताइवान को ले, एशियन कंट्रीज़ को ले, ताइवान को ले, हम लोग इसको ले, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, इन सबको घेर ले अगर, और जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस और इंडिया को ले ले, चाइना पूरी तरह से घिरा हुआ नज़र आता है दोस्तों, जिस वजह से जो है चाइना जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि जो है वो इंडिया से, यूएसए से पंगा ले रहा है, और दोस्तों वो इंडोनेशिया से भी पंगा ले रहा है। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई चाइना के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चाइना जो है ताइवान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, या बाकी एशियन कंट्रीज़ पर हमला करेगा, यूएसए जैसी सुपर पावर के साथ लड़ाई करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो चुप बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं हमें नहीं करना। और तो अगर वो चुप बैठा तो उसकी गवर्नमेंट बोली तो अलग अलग जो देश है वो उसको चिढ़ाएंगे कि ये सुपर पावर हार गया। दोस्तों इस वजह से जो है चाइना के लिए करो या मारो की स्थिति आ गई। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कैसी स्थिति हो, आज का वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।